डिनर रेडी है इसका। यस, और ये उजला हुआ चमन मेरा। अभी जो है हम लोग बातें कर रहे थे, मुझे ब्लॉग का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और अभी हम जा रहे हैं चाय पीने नीचे, क्योंकि बस मूड हो रहा था। जब भी हम कजिन्स मिले तो जाते हैं, तो इस वजह से हम सारे जा रहे हैं। दिखाती हूँ हिंदू, आई एम नॉट फीलिंग वेल, फिर भी ये देख लेंगे आपको। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे चाय पीने, चलो सब, रात के 2-3 बजे, 4 बजे, अभी 3 बजे टाइम देखना है। ना है ना, तो बोला नहीं, मैंने देखा नहीं था। चलो कोई बात नहीं, मतलब एक तो उसको डांटते हुए भी शर्म आती है, इसका कद देख के। देखिए गाइस, डी 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 6-2 है ये, 6-2। तो जिस तरह होता है कि सारे हम कजन्स मिलते तो हम पूरी रात जागते, और उसके बाद हम जाते हैं नाश्ता वाश्ता करने चाय शाय पी। हम लोगों ने चाय ऑर्डर की नहीं, पहले ही ढूंढ रहे हैं जगह बैठने की, मैं और आमना, हमने यहाँ बैठ जाते हैं, ये सही है, ये भी सही है, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। हाँ हाँ, यहाँ अरे क्यों वहाँ, ये लड़का हो गई है पागल। एग्जैक्टली, मुझे भी लग रहा है। तो जब हम यहाँ आए पठान की चाय पीने, क्योंकि ये करीब था, इसीलिए मैंने बोला रेडी हो, इसका मतलब हंसो, भले दांत खोलो इस तरह से हंसो। तो आमना जारी मेरे तो जी, हम जिसके होटल में आते हैं, यहाँ पे ये बच्चा था, मुश्किल से आई गेस ये जो है 8 या 9 साल का होगा, और इतना प्रोफेशनली काम कर रहा था। लाइक ये देखिए, ये सारे पराठे उसी ने बनाए, हमें चाय उसी ने बना के दी, आगे चल के वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। पर ये देखिए यार, मतलब 8 या 9 साल का मेरे ख्याल से होगा, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। ये लड़का, ये देखिए आप किस तरह से ये पराठे बना रहा था, और सारे पराठे इसने बनाए, चाय इसने बनाई, आटा गूंदा, मतलब यार ये जो है बच्चों को, हालांकि इस उम्र में हमारे बच्चे तो खेलते रहते हैं, और ये देखिए कितना मासूम सा बच्चा, और ये सारी होटल जिस तरह से हैंडल कर रहा था। आ चुका है गाइस हमारा ऑर्डर, तो अब लड़ाई। आपकी चाय नहीं आई, ऐसे बैठी हो बेचारी की, अभी तक नहीं आई। पीने तो दो पहले। बहुत अच्छी है चाय, मतलब पठान की चाय। नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ, नहीं क्या हुआ है आपको, नहीं क्या आप लोग काले कपड़े नहीं पहनोगे मच्छरों की वजह से, है ना, बेचारी को मच्छर बहुत काट रहे। चलो हम ना, क्या बोलते बुलाओ ना, आलू का पराठा गोल बना के दोगे? आलू का पराठा, आलू का पराठा गोल नहीं है, वो लोग उठा दे सने। गाइस इन लोगों ने जो लाला को इतना रक्त दिया है, उसे अभी जाके इतना तंग किया है कि। तो गाइस यहीं पे ये देखे, सुबह हो गई है, अभी 6 हो रहे हैं। तो जी हम यहाँ पर आए नाश्ते के लिए, अब हम लोग घर जा रहे थे। उससे पहले इन्होंने बोला कि हम लोग जो है ना पराठे वगैरह ऑर्डर कर लेते, आलू का पराठा ऑर्डर करें, ताकि घर में अगर भूख शूख लगे तो सारे वहीं पे खा लें। इसलिए हाय जी, हमें एक आलू का पराठा चाहिए, बन रहा है, चलें जल्दी जल्दी से हमें बना के दें, और घी थोड़ा कम डालिएगा। ओके यस, तो ये देखिए जी बन रहा है यहाँ पे आलू का पराठा, और इन लोगों ने स्पेशल फरमाइश पे ये गोल वाला बनाया है, और ये बना रहे हैं। यस, और अगर आप लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर खा सकते हैं, यहाँ पे पानी देखे और उसके सामने होटल देखना, वही पे तो नाम नहीं है इस होटल का, कराची की गलियाँ। हाँ ये कराची की गलियों में, बाय द वे ये नाम क्या है उसके सामने ही, ये यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे पराठे, बहुत ही अच्छे बन रहे हैं अभी। बस ये फिर थकार के आ गए हम घर, और आते ही सो गए। अब हो गया हमारा नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे। और ये देखिए मेरा चेहरा नींद नींद वाला थोड़ा था, बस मैं फटाफट से अपने डॉक्टर के पास गई, क्योंकि यार मैं लेट हो चुकी थी ऑलरेडी, फिर मुझे खाला के घर जाना था, वहाँ से जाके फिर मैं आई हूँ डॉक्टर के पास। और इनका जो एड्रेस वगैरह मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, क्योंकि इनकी जो लोकेशन चेंज हो चुकी है, न्यू लोकेशन है, तो उसका अगर आप लोग को एड्रेस वगैरह चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, बस मैं वहाँ गई, मैंने बोला जी सबसे पहले जो मैं अपनी डेंटिस्ट अटेंड करके आती, बाद में जो है कहीं और जाऊँगी। गई फाइनली,
सो एज यू ऑल गाइस नो के डॉक्टर आयशा जो मेरा सारा केस वही हैंडल करती हैं, पर उनकी जो तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए उन्होंने अर्जेंटली मुझे जो है डॉक्टर जुनेद का सजेस्ट किया, मतलब डॉक्टर जुनेद उन्होंने ही मुझे अरेंज करके दिए ताकि वो जो है मेरा ब्रेसिस वगैरह का ट्रीटमेंट जो है वो फर्दर कंटिन्यू करे, क्योंकि मैं हैदराबाद से आती तो थोड़ा मेरा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मेरा मंथली विजिट था ताकि वो डिले ना हो जाए, इसीलिए मैंने उनसे चेंज करवा लिए। हो गया जी मेरा फाइनली, अब मैं जा रही हूँ, डॉक्टर वाज सो काइंड एंड मेरा उन्होंने टाइम पे किया, डॉक्टर ऐसा नहीं थी इसलिए उन्होंने मेरा केस ले लिया, और अच्छा हुआ मेरा टाइम पे हो गया यार, क्योंकि फिर अब बहुत तो ये साइड इफेक्ट्स हैं जी हमारे, ये जो है पराठा और चाय के, इसीलिए मेरा गला ख़राब हो चुका था, और फटाफट में नीचे गई क्योंकि अबू मेरा वेट कर रहे थे, और ये देखिए कितनी अच्छी बारिश हुई है यार, दिल तो कर रहा था इस बारिश में यू नो नहा के जाएं, और मुझे इतना अच्छा मौसम लग रहा था, इतना अच्छा, दिल ही नहीं कर रहा कि वैसे आई डोंट लाइक यू नो लॉन्ग ड्राइव्स एंड ऑल दैट, बट यहाँ पर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। हेलो गाइस, ये मेरी मतलब लोग दावत है उसके लिए, ये देखें काम जा रही है, और उधर किचन का भी, फिर मैं आपको आगे अपडेट देती रहूँगी। तो आज ये हमारी दावत है राबेल की तरफ, ये सारी प्रिपरेशन वगैरह राबेल कर रही थी क्योंकि मेरा उस वक्त गला ख़राब था, इसीलिए वॉइस ओवर जो है आमना दे रही थी, काइंडली एडजस्ट कर दीजिए। यखनी पुलाव के लिए यखनी ज़रूरी होती है, ये डिस्कस किया जा रहा है, आपने बताया था कि यखनी पुलाव के लिए यखनी ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल, कैसा ये देखें सैलड बन चुकी है, किसने बनाई है भाई? अलीशा सुहाई, इसको लीमू भी नहीं निचोड़ना आ रहा, ये लोगों का दिल क्या निचोड़ेगी। तो जी ये देखिए सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, वैसे सब ने जो हेल्प करवाई, बाकी ज़्यादा जो है वो राबेल ने किया, शादी के बाद माशाल्लाह से सुगड़ हो गई है, क्योंकि शादी के बाद सारी लड़कियां ही अच्छे से सारा सेटअप कर लेती हैं, सीख लेती हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कोई ऐसी कज़न या किसी ऐसी का नाम जो शादी से पहले बिल्कुल काम नहीं करती थी और शादी के बाद माशाल्लाह से बहुत सुगड़ हो गई हैं। सो मैंने सोचा मैं फाइनली आपको जो यखनी पुलाव का दिखाता था, रेसिपी ना दिखे, रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। ये देखिए राबेल ने बहुत ही ज़्यादा यमी बनाया था, और काला वगैरह सब आ चुकी थी, अब जो हम फाइनली सेटअप लगा रहे थे। सो फाइनल लुक तो बनता था, इतनी राबेल ने मेहनत की, मैंने सोचा इस तरह से दिखा तो सब भी बहुत यम्मी बहुत टेस्टी बनाया था, अब सब खा रहे थे मज़े से, इनका मुझे अलाव नहीं वरना मैं ज़रूर दिखाती। खाया पिया हर रंग किया, और अब साफ करने की बारी है, साफ सफाई की बेबी और मेरी अबे वाली आई, इसके पास था कब से, इसके पास सिर्फ 2 मिनट मैंने उठाया है, कोई नहीं आधा घंटा तुम्हारे पास था, नींद से उठा दिया बच्चे को, इसको अभी आया आम नापी के पास है ना, आम नापी और कितना सुकून से सो रहा है इसके पास तो मैं। ये देखिए चाय टाइम टी गाइस, ये देखिए कौन आया है, अग्गी मिनसा जान, अग्गी करें मोहब्बत शो करें, शब को हाय के लिए, अभी पप्पो इसकी सारी खिदमतें करेंगी। कराची का मौसम तो बहुत लश हो रहा है गाइज, रोज़ यहाँ पे बारिश हो रही है, और हमारे हैदराबाद में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। वेल नेक्स्ट डे तो मुझे काम था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी थी, और वही लेने गए हम, अब वो बता देते, वो भी सवेरा को ही चाहिए थी, इसीलिए यहाँ पे देख के समझ तो गए होंगे। हम लोग मोबाइल लेने गए थे, कौन सी ली वो घर चल के दिखाऊंगी, और कवर भी ले लिया क्योंकि कवर्स तो आपको पता है बहुत ज़रूरी होते, मोबाइल सेफ रहती है। ये देखिए यहाँ की बारिश, और मैं यहाँ पे बोर पर्सन, और ये लोग एंजॉय वाले लोग, मेरे मोबाइल में ना पानी चला जाएगा, एक प्लेट पकौड़े 5 कप चाय, यहाँ पे गीली हुई
है बारिश में जाके हमारी एक प्लेट पकौड़े और एक एक कप चाय ला रही हूँ। और हुकुम बाद में बताएंगे। चले ठीक है, ज्यादा भीगने के बाद। ओके ओके ओके।